हे भाटी फ्रेंड्स, की हाल चाल, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, अगर आप शिमला घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। आज के वाईटी भारत के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से 10 प्लेसेस हैं शिमला के अंदर जो आपको विजिट करने ही करने चाहिए, और इसके लिए आपके पास एनफ टाइम होना चाहिए। कम से कम 3 नाइट 4 डेज का आपके पास टूर होना चाहिए जिसके द्वारा आप आराम से इन टूरिस्ट प्लेसेस पर घूम सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि शिमला, लोगों को पता है कि बहुत लिमिटेड प्लेसेस हैं, क्योंकि अभी मैं इसी साल शिमला होकर के आया हूं मिड के अंदर, और मैंने देखा कि शिमला में इतने ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जिनको आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और शिमला की ब्यूटी तो आपको पता ही है कि फेमस है, पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर टूरिस्ट घूमने आते हैं हर साल। तो आइए चलते हैं आपको लेकर के शिमला की सैर पर और बताते हैं 10 मोस्ट विजिटिंग प्लेसेस जो आपको विजिट करनी ही करनी चाहिए ड्यूरिंग योर ट्रिप टू शिमला। दोस्तों, सबसे पहले शिमला के बारे में बताता हूं। हिमालय की गोद में बसा हुआ शिमला के अंदर आप देख सकते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, रोलिंग वैलीज, ब्रेड टेकिंग लेक्स, प्लीजेंट क्लाइमेट एंड कॉलोनियल एम्बियंस ऑल कम टूगेदर टू लैंड दिस हिल स्टेशन ए चार्म ऑफ इट्स ऑन। सब कुछ है शिमला के अंदर, इन चीजों का आप विजिट कर सकते हैं। शिमला वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस है जो सबसे पास है दिल्ली के, 7 से 8 घंटे के ड्राइव में आप शिमला आराम से पहुंच सकते हैं। अगर आप इन 10 प्लेसेस के बाद की बात करें तो ये वो प्लेसेस हैं जो शिमला में आप घूम सकते हैं। अगर आपके पास 3 नाइट से ज्यादा का टाइम है तो आप इन स्थानों पर भी जा सकते हैं। वो मैंने यहाँ पर पूरी तरह से लिस्ट कर दिए हैं, जिसमें है द रिज, माल रोड, कुफरी, ग्रीन वैली, कालीबाड़ी टेम्पल, तारे देवी टेम्पल, मशोबरा, अन्नाडेल, जाको हिल एंड टेम्पल, कालका शिमला रेलवे, क्राइस्ट चर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, हिमाचल स्टेट म्यूजियम, गेटी हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स, चैडविक फॉल्स एंड जॉनी वैक्स म्यूजियम। ये वो सारे प्लेसेस हैं जो 10 के साथ साथ भी हैं, जिनको आप विजिट कर सकते हैं अगर आपके पास 3 नाइट से ज्यादा का टाइम है तो। अब चलते हैं, आपको नंबर 1 प्लेस बताते हैं जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट द्वारा घूमा जाता है जब वो शिमला जाते हैं, उसका नाम है द रिज। आप मेरी फोटोग्राफ देख सकते हैं और द रिज के ऊपर आप मेरे पीछे फ्लैग देख रहे हैं इंडिया का, जो बहुत हाइट तक का फ्लैग है और जो पूरे शिमला से आराम से आप देख सकते हैं दूर दूर से। आइए आपको द शिमला के इस रिज के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। द रिज मे बी वेल डिफाइंड एज द हार्ट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है और सबसे ज्यादा टूरिस्ट द्वारा विजिट की जाने वाली यह एकमात्र लोकेशन है। इट ऑफर्स गॉर्जियस व्यू, आप यहां से देख सकते हैं स्नो कैप्ड माउंटेन देख सकते हैं, वहां की रेंजेस देख सकते हैं, जो शिवालिक की माउंटेन की रेंजेस हैं, सब कुछ यहां से दिखता है अगर आप यहां पर खड़े होकर चारों तरफ देखें तो। दिस प्लेस इज अमंग द मोस्ट फोटोग्राफ पार्ट्स ऑफ द सिटी, यहां पर सबसे ज्यादा फोटोग्राफ क्लिक करवाई जाती हैं। गुड टाइमिंग है आपका विजिट करने के लिए, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे। अब इसमें एक नया टूरिस्ट अट्रैक्शन भी जुड़ गया है, यहां पर आपको म्यूजिकल एक फाउंटेन लाइट एंड साउंड शो देखने को मिलता है जो द क्राइस्ट चर्च के बहुत ही पास होता है। तो कभी भी आप जाएं तो शाम के टाइम यहां पर जरूर विजिट करें। अब चलते हैं नंबर 2 के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन पर, जिसको हम जाको हिल एंड टेंपल के नाम से जानते हैं। शिमला में कवर्ड इन ए ब्लैंकेट ऑफ एल्पाइन ट्री से घिरा हुआ है जाको हिल द हाईएस्ट पॉइंट है शिमला का, जहां से आप चारों तरफ शिमला का व्यू ले सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रामायण काल में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो संजीवनी बूटी ले जाने के रास्ते में यहां पर हनुमान जी कुछ देर के लिए रुके थे, तभी से यह स्थान प्रसिद्ध हो चुका है, ऐसे यहां के लोकल लोगों का कहना है। टाइमिंग यहां की है विजिट करने की 7 बजे से सुबह से लेकर के 8 बजे शाम तक आप यहां पर प्रतिदिन विजिट कर सकते हैं। अब चलते हैं माल रोड शिमला। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि माल रोड सभी हिल स्टेशनों पे इंडिया में देखा जाता है, ये मेन अट्रैक्शन होता है जहां पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन शिमला का माल रोड काफी हट करके है। यहां पर आपको गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी मिलेंगी, जैसे आपको गवर्नमेंट बैंक्स मिलेंगे, प्राइवेट बैंक्स मिलेंगे, LIC की बिल्डिंग मिलेगी और बहुत सारे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, प्लेसेस हैं, वो सब माल रोड के आसपास ही पड़ते हैं। आइए जान लेते हैं पूरी तरह से माल रोड के बारे में। माल रोड अट्रैक्ट करता है विजिटर को सभी एजेस की, विद अ प्लेथोरा कैफेज हैं यहाँ पर, रेस्टोरेंट हैं, शोरूम हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, शॉप्स हैं, सेलिंग थिंकल्स हैं, ऐसे एक्सक्लूसिव हैंडीक्राफ्ट वर्क्स आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। इसके पास ही आपको मिलेगा कालीबाड़ी टेम्पल, टाउन हॉल, गेटी थिएटर, स्कैंडल पॉइंट, द लिफ्ट, लक्कर बाजार, सबसे इससे पास पड़ता है। टाइमिंग यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको घूमने के लिए अच्छी रहेगी, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक आप यहाँ पे आराम से घूम सकते हैं प्रतिदिन।
एक चीज मैं आपको बताता हूं कि माल रोड पर किसी भी तरह का व्हीकल नहीं चढ़ता है, सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल ही चलते हैं जैसे एम्बुलेंस इत्यादि, क्योंकि माल रोड के पास ही एक हॉस्पिटल पड़ता है, उसका एक क्रॉसिंग पॉइंट है, इसलिए यहां पर आराम से आपका जो एम्बुलेंसेस हैं वो यहां से गुजरती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट विजिटेड प्लेसेस आपको बताते हैं, जो है कालका शिमला टॉय ट्रेन। कभी भी आप शिमला जाएं तो कोशिश करें आप न्यू दिल्ली से कालका शताब्दी पकड़ करके कालका पहुंचे लगभग 12:30 के आसपास, वहां से आप हिमालयन क्वीन टॉय ट्रेन पकड़िए और 5:30 के आसपास आप शिमला पहुंच जाएंगे। रास्ता बहुत जबरदस्त होता है और अगर आप शिमला के आसपास की सारी ब्यूटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इस हेरिटेज जो यूनेस्को द्वारा घोषित है उस साइट को जरूर विजिट करिए। उसके लिए आपको बैठना होगा इस टॉय ट्रेन के अंदर। द कालका शिमला टॉय ट्रेन राइड इज अ हाई पॉइंट ऑफ शिमला टूरिज्म। सबसे ज्यादा यहाँ पे टूरिज्म आता है। 1898 में नैरो गेज रेलवे स्टेशन रेलवे पर द्वारा बनाई गई यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे यूनेस्को ने घोषित किया है। इस राइड के अंदर आपको 864 ब्रिजेस, 919 कर्व्स एंड 102 टनल देखने को मिलेंगी। इट स्टॉप्स एट अ नंबर ऑफ टूरिस्ट स्टेशन पे ये रुकती है, जहां पर आप सोलान जा सकते हैं, धर्मपुर, समर हिल, सलोगरा, तारा देवी, बरोज, इन सभी जगहों पर आप घूम सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब चलते हैं नन अदर देन सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक कुफरी के अंदर। कुफरी दोस्तों बहुत मायने में फेमस है, 40 मिनट की ड्राइव है केवल आप शिमला के माल रोड से यहां पर पहुंच सकते हैं। 8607 फीट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से कुफरी। इट इज आल्सो नोन एज एडवेंचर हब, यहां पर आपको मिल सकता है, यहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है और स्नो के दिनों में यहां पर बहुत सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे स्कीइंग हो गया, स्केटिंग हो गया, यहां पर उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है और आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे एडवेंचर पार्क आपके कुफरी के आसपास पड़ सकते हैं, वहां पर आप जाइए और अपनी ऑन कॉस्ट पर आप यहां पर विजिट कर सकते हैं। कुफरी के अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप रेगुलर स्नोफॉल इन विंटर्स के दिनों में। हालांकि 5-10 सालों से देखा जा रहा है कि स्नोफॉल अब लिमिटेड टाइम्स में ही होती है, लेकिन जब भी होती है कुफरी सबसे पहले स्नो से घिर जाता है, जहां पर आप जाकर के स्नो एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 6 क्राइस्ट चर्च शिमला के अंदर, जो वन ऑफ द प्रोमिनेंट लैंडमार्क है शिमला के अंदर। द रिज के ऊपर ही है क्राइस्ट चर्च, इज द सेकंड ओल्डेस्ट चर्च है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। यह 1857 में इसको बनाया गया था। इट इज अ रिमार्केबल एग्जांपल है ऑफ नियो गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट आपको लेकर के चलते हैं कालीबाड़ी टेम्पल शिमला, जो माल रोड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बिल्ड किया गया था 1845 के अंदर, लोकेटेड है बहुत ही पास में माल रोड के। गॉडेस काली इज नोन एज, यहाँ पर जानी जाती है गॉडेस श्यामला के नाम से, काली जी को जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि शिमला का नाम इसी गॉडेस श्यामला के नाम पर पड़ा है। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप माल रोड से जाते हैं यहाँ मंदिर की तरफ तो रास्ते के नजारे बहुत ही मनमोहक होते हैं और आप शिमला के इस टेम्पल में खड़े होकर के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको पनोरमिक व्यू दिखाई देगा, ग्रीन व्यू दिखाई देगा और इतनी पॉजिटिव वाइब्स आपको यहां पर मिलेंगी कि आपको बार बार यहां पर जाने का मन करेगा। अब चलते हैं आपको 8 नंबर के टूरिस्ट प्लेस पर ले जाते हैं, गेटी हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स शिमला। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने फोटोग्राफ क्लिक करवाई है, यहां पर जाकर के आपको मजा ही आ जाएगा। अब इसके बारे में आपको बताना स्टार्ट करते हैं। सेंचुरी ओल्ड बिल्डिंग है, लगभग 100 साल पुरानी ये बिल्डिंग अब लगभग हो चुकी है। बिल्ड इन द विक्टोरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में इसको बनाया गया है। वन ऑफ द मोस्ट प्रीफर्ड वेन्यू है उस टाइम का जब शिमला यहाँ पर स्टार्टिंग के दिनों में था, यहाँ पर सोशल मीट्स होते थे। टुडे इस आज के टाइम पर इस कॉम्प्लेक्स का यूज किया जा रहा है एग्जीबिशन हॉल के लिए, गैलरी, अब मल्टीपर्पज हॉल एंड एक एम्फीथिएटर के रूप में। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक आप घूम सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। अब चलते हैं आपको नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस पर लेकर के चल रहे हैं, जो है जॉनी वैक्स म्यूजियम शिमला। दोस्तों इस वैक्स म्यूजियम को मैडम तुसाड म्यूजियम ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर महात्मा गांधी, माइकल जैक्सन, जेम्स बॉन्ड, हैरी पॉटर, आयरन मैन, स्टीव जॉब, सलमान खान, आमिर खान के साथ साथ और कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनके स्टैचू आपको यहां पर दिखाई देंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि उनके साथ आप खड़े होकर के फोटोग्राफ क्लिक करवा सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक आप इसको विजिट कर सकते हैं और एंट्री फीस है ₹250 पर पर्सन। 5 साल से कम के बच्चों की यहां पर कोई एंट्री फीस नहीं लगती है। अब चलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, हिस्टोरिकल लोकेशन है। जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो उसका डिसीजन यहीं पर लिया गया था। अब नेक्स्ट चीज आपको बताते हैं कि जो इंडिया में वायसर आए थे उस टाइम 1884 से 1888 के बीच में, लॉर्ड डफरिन, वो यहीं पर रहते थे, उनका ही रेजिडेंस था। आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस द प्लेस सर्व्ड एज अ समर रिट्रीट ऑफ द कंट्री प्रेजिडेंट एंड वाज नोन एज राष्ट्रपति निवास के नाम से जाना गया और उसके बाद इसका नाम पड़ गया एडवांस स्टडी रिसर्च सेंटर। दोस्तों
इसकी एंट्री फीस क्या है, 40 रुपए पर पर्सन है इंडिया के लिए, और अगर आप फॉरनर हैं तो 85 रुपीज आपको पर पर्सन देने होंगे, और सिर्फ गार्डन विजिट करना है तो उसके लिए 20 रुपए आपको देने होंगे। तो दोस्तों ये 10 ऐसे मोस्ट विजिटिंग प्लेसेस थे जो अगर आप शिमला घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको जाना ही जाना चाहिए, और इसके लिए कम से कम 3 नाइट की आइटनरी आपके पास होनी चाहिए, तब आप इसको घूम सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की जानकारी लगातार वाईटी भारत पर हासिल करने के लिए बने रहें वाईटी भारत चैनल पर। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।